पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो क्रिएट किए हैं, और ये जो चैनल है मेरा, ये एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है कोड विद साइंटिस्ट। और इस चैनल के ऊपर मैं कम्प्लीटली जो है वो प्रोग्रामिंग के हवाले से कोर्सेज जो है वो लेकर आता हूँ, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की चीज़ें भी करी हुई हैं, और इस चैनल के अंदर बहुत सारे काम भी किए हुए हैं। और इसके अंदर अब ये मैं पूरा पाइथन का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे जो है वो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मुझे यही बताना है कि ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं और बिगनर से बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैंने इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करवाई हैं कि किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग से बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी जो है वो ये बंदा ये कोर्स कर सकता है। और इस कोर्स के करने के बाद आप लोगों को जो है वो बहुत ही आसान लगने लगेगी प्रोग्रामिंग, लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और इसके अलावा आप लोगों को जॉब भी जो है वो बहुत ईजिली पाइथन की मिल सकती है। और किसी भी जगह पे अगर आप, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कि मुझे आगे नेक्स्ट क्या करना है या किस तरीके से मुझे जो है वो आगे परसू करना है, तो ये ट्यूटोरियल और ये पूरा कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन का इन्वायरमेंट जो है वो अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे किस तरीके से उसको सेट किया जाता है। गाइस, तो इंट्रोडक्शन के बाद मैं जो है आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेकर आ चुका हूँ, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है मैंने आपको ये बताना है कि किस तरीके से पाइथन का इन्वायरमेंट जो है हम बनाएंगे, और पाइथन के इन्वायरमेंट को बनाने के बाद जो है किस तरीके से हमें पाइथन की कोडिंग करनी है यहाँ पे, और पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है, और पाइथन के इस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, और पाइथन क्यों ज़रूरी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुका हूँ, और उस पर फिर मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। बट जो है आपको आई थिंक ये चीज़ आपको लाजमी देखनी चाहिए कि किस तरीके से जो कि न्यू लोग हैं, जो कि कोडिंग को समझना चाहते हैं, कोडिंग को देखना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश यही है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है अभी तो फ़िलहाल, एंड इंट्रोडक्शन के बाद जो है फिर हमारा इसके समझ लें काफ़ी सारे जो है वो ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, और तकरीबन जो है 10-15 वीडियोस जो है इसकी ट्यूटोरियल्स में होंगी पूरी, क्योंकि मैं आपको पाइथन के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन का क्या तरीके कार है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो चलते हैं क्रोम के ऊपर, और आपकी मर्ज़ी है, आप जो है बहुत सारे इधर हमारे पास जिसको हम IDE कहते हैं, सही, IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास बहुत सारी होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आप देख सकते हैं, और IDE मतलब आप वो उसको कहलाता है कि जिसको हम कोड एडिटर कहते हैं, इसके ऊपर हम कोई ना कोई लैंग्वेज का कोड करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन के लिए हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं जो है वो नॉर्मली विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ही करता हूँ सारी चीज़ें, और आपको बता देता हूँ आपके लिए जो है अगर पाइथन आपने करना है तो पाइचार्म एक सॉफ्टवेयर होता है वो, जिसको हम IDE भी कहते हैं, तो इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें जो है ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वालों के, ये खासकर सिर्फ और सिर्फ पाइथन के लिए सारा काम करता है, ठीक है। और इससे जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो इसके आई थिंक 2 वर्जन्स होते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह हर चीज़ इसमें एक्सेस कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। और विजुअल स्टूडियो कोड में भी सेम यही है, बट ये कि इसमें आपको पाइथन, अच्छा इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं कि प्रोफेशनल एडिशन और कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। और दोनों में जो फ्री है वो ट्रायल जो है इसका होता है हमारे पास, जो कि फ्री का ऑब्वियसली फ्री नहीं होता, बट ये होता है हमारे पास फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स, ठीक है, ये ओपन सोर्स है पूरा, और इसके अंदर बस हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, साइंटिफिक टूल्स नहीं मिलते हमें, और वेब डेवलपमेंट नहीं मिलती हमें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। किसके अंदर? आपको इस कम्युनिटी एडिशन के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, और उसके लिए आपको फिर ये पेड वर्जन जो है इसका डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका सिर्फ ट्रायल फ्री है,
देन बाद में जो है आपको उसको पेंट करना पड़ता है। तो ये आपके पास जो है पाइथन का एक आईडीई है। इसके बाद और भी बहुत सारे आईडीई होते हैं पाइथन के, मैं आपको एक और बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा पाइथन के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं, पाइथन की सारी चीज़ें, कमांड्स वगैरह, और फ्री डाउनलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन है इसमें सारा। ठीक है ना, तो एनाकोंडा भी जो है पाइथन के लिए बहुत एक अच्छा, समझ लें आईडीई समझा जाता है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा होता है नॉर्मल। ठीक है, तो एक ये हमारे पास है, और फिर एक जो एक मासूम सा आईडीई है जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, जो कि ये आ गया हमारे पास, और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और ये मैं नॉर्मली इसी के ऊपर कोड करता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल यही लगता है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो मैं आपको इसी के ऊपर ही कोड कराऊंगा पाइथन का, कि किस तरीके से पाइथन का इन्वायरमेंट करना है। अच्छा, ये तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लें, सही है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और वो फिर आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन फिर हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे। अच्छा, अब पाइथन के लिए आपको जो है वो पाइथन को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। पाइथन लिखूंगा मैं पहले, पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ से डाउनलोड पाइथन करूंगा, देन मेरे पास जो है वो पाइथन का कौन सा वर्जन अभी अवेलेबल है, जो कि समझ लें आप ये समझ लें कि मतलब प्योर पाइथन जो बेस कर रही है वो अभी मतलब इस 3.11 चल रहा है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करी थी तो आई गेस 3.2 3.3 था कुछ, तो उस टाइम पे जो है मैंने काम किया था पाइथन के ऊपर, तो अब जो है वो 3.11.3 इसका वर्जन चल रहा है, और इसमें जो है वो ये आप देख सकते हैं 3.7 3.8 में क्या था, 9 में क्या था, और ये सारे वर्जन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज मैं आपको कोड नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको बस ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन दूंगा, और इसके ऊपर सारी बातचीत करूंगा कि क्यों पाइथन ज़रूरी है, क्यों हम जो है पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और क्यों डेवलपमेंट करने करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पाइथन जो है इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, डाउनलोड्स, और डाउनलोड आप कर सकते हैं, मसला नहीं है डाउनलोड होने का, तो पाइथन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मुझे मसला नहीं है, आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको वही सिंपली इंस्टॉल, जिस तरह होता है सिंपल, आपने इंस्टॉल करना है एक्जी फाइल जो होती है। ठीक है, मैक के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो मैक के लिए अलग फाइल है, लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए अलग फाइल है। ठीक है, तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मैं हमेशा आप अपने हर स्टूडेंट को यही बात करता हूँ, यही बोलता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंटेशन से कभी भी नहीं भागो। ठीक है, पाइथन की एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब हर लैंग्वेज की जो है ना आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। ठीक है, और पाइथन की एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलती है, जिससे आप जो है वो बिगनर्स से लेके मॉडरेट, मॉडरेट से लेके एडवांस, और मतलब इस बेहतरीन तरीके से इसमें ना हर चीज़ की गाइडलाइंस हमें मिलती हैं, और किस तरीके से कोड करना है, किस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना है, वो सारा का सारा तरीका हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, और पाइथन इस वजह से मकबूल ज़्यादा लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा इस पे लोग जो है काम कर रहे हैं आजकल, और एक तो सबसे ज़्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज है, आपको जो है वो ब्रैकेट का इतना मसला नहीं, और पुरानी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है, और इसमें हर तरह की लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, इसमें जो है वो वेब डेवलपमेंट भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मतलब हर तरीके की डेवलपमेंट आप इसके ऊपर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपको सब कुछ इंट्रोडक्शन में कवर कर चुका हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम जो है वो थोड़ा सा इसके डॉक्स को पढ़ लेते हैं, और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि ट्यूटोरियल में ज़रा चेक करते हैं कि हमें जो है वो क्या क्या यहाँ पे मिलता है, और यूजिंग पाइथन इंटरप्रीटर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी ऑब्वियसली, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, और जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इस चीज़ का, वो मैं हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, इसका एनवायरनमेंट और ये सब आप फैमिलियर हो जाएं इससे, और फैमिलियर होने के बाद हम जो है इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको पाइथन की बताता हूँ, वो ये है पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी। ठीक है, पाइथन डेवलपर एवरेज सैलरी, अगर देखें आप जॉब के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो खैर बहुत कम आ रही है यहाँ पे, जो कि ईयर्स में आ रही है, मतलब बहुत कम आ रही है एवरी इन यूएस, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, या ये आप देख सकते हैं, दिस दिस इज द अमाउंट। ठीक है, पाइथन डेवलपर की जो नेशनल एवरेज सैलरी है यूएस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को तो समझ लें, मैं
बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अगर पाइथन डेवलपर हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपके लिए समझ लें बिल्कुल बेकार है ये, बिल्कुल बेकार है। और कि पाकिस्तान में या इंडिया में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आई थिंक इतना आपकी चीज़ों को या आपकी जो है स्किल्स को सराहा नहीं जाता इन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं और अब तो इंडिया तो बहुत ऊपर है हमसे। तो खैर इंडिया की बात अभी बाद में करेंगे फिर कभी। तो बट यहाँ पे जो है वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप सैलरी के परस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं या सैलरी के परस्पेक्टिव से सीखना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग को, तो आप आपको जो है ये चीज़ जहन में रखनी है एंड आपको बाहर लाजमी इसकी जॉब को ट्राई करना होगा। ठीक है, यहाँ आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन रिमोट जो है इसकी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, एक जॉब का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया हमारा। और फिर अब जो है हम इसके ऊपर आते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर किस तरीके से हमें इसका एनवायरनमेंट सेटअप करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड पे तो सिंपली आपको पता है कि आप जस्ट, अच्छा मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर भी बना के रखा है पाइथन कोर्स के नाम से। ठीक है, पाइथन कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जो पाइथन है वो समझ लें मैं इसको इंट्रो लिख देता हूँ, इंट्रो ठीक है, और .py, सही है, PY इसकी पाइथन की एक्सटेंशन होती है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसमें जो है ऑलरेडी वैसे इंस्टॉलेशन हुई भी होती है, बट ये कि मैं आपको थोड़ी इसकी एक्सटेंशन भी दिखा देता हूँ कि आई गेस इसमें होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, वैसे तो आई थिंक उसमें बिल्ट इन तो होती है बट ये कि इसमें आई गेस इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल नहीं हुई भी। तो मैं यहाँ पे ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस शायद आपको समझते हो या नहीं समझते हो आई डोंट नो, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इंटेलिजेंस कहलाता है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वो सजेशन जब दे रहा होता है ना अपने प्रोग्राम या कोड लिख रहे होते हैं, तो वो अपने सजेशन दे रहा होता है कि इसमें ये कोड आ सकता है, ये कोड आ सकता है, तो उसको इंटेलिजेंस हम कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार दबा के वो इंटेलिजेंस ओपन हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ ये कि जो कि मेरे पास इंटेलिजेंस का काम करेगा, लिंटिंग डिबगिंग इसका काम है सारा और ये सारी चीज़ें इसमें कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप भी करना चाहें तो कर लीजिएगा, मसला नहीं है। और एक ही एक्सटेंशन पैक है, बहुत सारी एक्सटेंशन है, मतलब आपको बेइंतहा यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएंगी पाइथन के हवाले से और शेरो और बहुत सारी एक्सटेंशन आपको मिलेंगी यहाँ पे। सही है, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स ने बना के इसको रखी हुई है, बट मेक श्योर कि सबसे ज़्यादा मिलियंस में इसके जो है वो होने चाहिए आपके पास इसके, समझ लें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मिलियंस में अगर इसके सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जो है आप देखना चाहें कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहें तो वो आपके ऊपर है सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो मैं अब चलता हूँ अपनी पहली इस फाइल के ऊपर और मेरे पास ये इंस्टॉलेशन भी हो गई है वैसे, इंस्टॉलेशन हाँ ये हो गई है वैसे मेरे पास, तो इसको मैं अभी साइड पे करता हूँ दरअसल, मुझे क्योंकि अभी जो काम है वो यहाँ पे करना है। सही है, मैं जो है अब यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने एक सिंपल सी फाइल बना ली थी और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि यार आप इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो, पाइथन इंस्टॉल, वैसे मैंने इंस्टॉल तो कर ली थी बट आई डोंट नो कि ये दोबारा ऑप्शन दे रहा है मुझे इंस्टॉलेशन का, तो मैं वो कर लूँगा, मसला नहीं है। ऑल राइट गाइज, तो मैं अपना यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ पाइथन का, कि किस तरीके से पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखा जाएगा। ठीक है, और पाइथन में मतलब प्रोग्राम क्या, मैं जस्ट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। और ये समझ लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के तरह नहीं है, या PHP में हमने एको किया था एको नहीं है, या हमने जो है जावास्क्रिप्ट में जो है अगर पढ़ा था आप लोगों ने कि जावास्क्रिप्ट में जो है आई गेस कंसोल डॉट लॉग होता है, कंसोल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वैसा नहीं है। यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट, ये प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट का जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मैं मुझे जो है प्रिंट लिखना है आपका सब ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे लिखना है हेलो या हेलो वर्ल्ड, जो भी लिखते हैं आपकी मर्जी है, और लोग वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो प्रिंट का स्टेटमेंट मैं आपको ये बता रहा था कि प्रिंट का स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको, और ऑब्वियसली एक टर्मिनल है तो मैं जो है यहाँ से इसको चला के दिखाऊंगा आपको, और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास पाइथन का जो प्रिंट का पहला स्टेटमेंट था वो मेरे पास यहाँ पे चली है। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन में हम जो है वो काम करते हैं सारा। और समझ लें अगर मैं जो है इसको करना चाहूँ कॉपी और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहूँ पेस्ट, ठीक है, और सॉरी अबाउट दैट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब मैं चेंज कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड आई एम,
पाइथन। आई वॉज क्रिएटेड बाय Guido Van Russo, Russo। तो ये एक साइंटिस्ट क्रिएटर और जो थे अपने टाइम के, इन्होंने जो है वो पाइथन को क्रिएट किया था। जस्ट मैंने उनका नाम लिख दिया एंड इसको हम चला के देखते हैं। ऑल राइट, तो इसने जो है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और कि इसके ऊपर मुश्किल होगा पाइथन को काम करना या वट एवर, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम करेंगी या आप टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपली करके समझाऊंगा कि पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन की सारी चीज़ें, कि पाइथन किस तरीके से, पहले हम कंसोल प्रोग्रामिंग करेंगे, देन हम इसमें बेसिक अच्छी चीज़ें देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देन फिर हम इसके ऊपर आगे वेब डेवलपमेंट की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा कि पाइथन में वेब डेवलपमेंट भी किस तरह होती है, और उसके अलावा मैं आपको इसमें और भी चीज़ें गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पर भी काम कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह काम कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग का ट्यूटोरियल जो है वो मैं यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।